हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे एक और न्यू एक्सरसाइज अपने सेम लेसन की, यानी कि चैप्टर 6 की। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द एक्सरसाइज। कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन विद दीज वर्ड्स। यू कैन यूज अ वर्ड मोर देन वंस। लास्ट क्लास में हमने कैन, कांट, देन मस्ट, मस्ट नॉट के बारे में रीड करा था। अब आज हम उसी से बेस एक एक्सरसाइज करने वाले। यहाँ पे क्या दिया है? कॉन्वर्सेशन दिया। कॉन्वर्सेशन मीन्स यहाँ पे दो या तीन लोग बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये फोर वर्ड्स को यूज करना है। जिस सेंटेंस में जो वर्ड एक्यूरेट फिक्स होता है वो वर्ड हमें यहाँ पे प्लेस करना है, ओके? और ये वर्ड्स हम दो या तीन बार रिपीट भी कर सकते हैं, ओके? लेट्स रीड द सेंटेंस एंड According to it, we need to place the word. This cave is dark and dash and I dash see anything. I need a torch. ये place क्या है? बहुत dark है and I क्या आएगा? I can't. अंधेरे में तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, तो यहां पे आएगा कांट। कांट सी एनीथिंग। नेहा इज सेइंग दिस केव इज डार्क एंड आई कांट सी एनीथिंग, आई नीड अ टॉर्च। डैश आई शेयर योर्स। कैन आई शेयर योर्स? ही इज आस्किंग अन्या। कैन आई शेयर योर टॉर्च? थैंक यू। नाउ वी कैन बोथ सी। नाउ वी कैन मतलब अब हम दोनों देख सकते हैं। नाउ अन्या इज सेइंग वी डैश स्टे टू लॉन्ग बिकॉज माई सिस्टर विल वरी। लेट्स फिल आवर बैग एंड गेट आउट ऑफ हियर। वेयर इज द वे आउट? वी कांट से हम इतने ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं, तो वी कांट। वी डैश गो स्ट्रेट ऑन। वी मस्ट गो स्ट्रेट ऑन मतलब हमें वहां पे हमें स्ट्रेट जाना चाहिए। देयर इज लाइट अहेड एंड dash see the way out. I must see the way out. Oh, let's bring our friends next time. Yes, then we can carry more treasure. But there are so many other fun things to do here. We must not forget to go through the coin maze. Must not. यहाँ पे आएगा must not. Okay, so this is now next is preposition of time. We know that preposition are the words that tells us the relation of a noun or a pronoun with the other words in a sentence. Preposition of time tell us when something happens. प्रेपोजिशन क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताते हैं, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप बताते हैं कि कैसे नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे से रिलेट होते हैं, और उसमें से एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब होता है व्हेन समथिंग हैपेंस, किस टाइम क्या चीज
हुई है. फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू अम्यूजमेंट पार्क ऑन संडे. सो संडे इज अ टाइम डे, कि संडे को हम गए थे. दैट इज वाई ऑन इज अ प्रेपोजिशन. ऑन क्या है? प्रेपोजिशन. वी वेंट होम एट 10 o'clock. 10 o'clock इज अ टाइम. सो एट इज अ अगेन अ प्रेपोजिशन. नाउ टर्न योर पेज एंड सी अनदर एग्जाम्पल. आर स्कूल रिमेन्स रीओपन्स इन जून. आर स्कूल, स्कूल इज अ नाउन. This is a common noun. क्योंकि यहां पे क्या है, क्या है यहां पे? नेम नहीं दिया है स्कूल का कि विच स्कूल रीओपन्स ऑन जून. इन इज अ प्रेपोजिशन. Why it's a preposition? Because it's preposition of time. Why it's a preposition of time? Because June. Because पहले क्या है? Noun है. उसके बाद कौन सा है? Time दिखा रहा है. Time मतलब month बता रहा है ना कि इस time पे इस महीने में हमारा school फिर से खुल रहा है. So this is preposition of time. Some other prepositions of time are on, until, during, after, before. Remember that we use in to talk about months and years, on for days, and at to talk about the time. Now, preposition of time to bahut sare hote, like on, until, during, after, before. Magar hame ye yaad rakhna hai ki kab hame kaun sa preposition यूज करना है. सो वी यूज प्रपोजिशन इन व्हेन वी टॉक अबाउट मंथ और ईयर. लाइक इन जून, इन जून. ठीक है. और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने एक और प्रपोजिशन पढ़ा था ना. कौन सा पढ़ा था? इन जून, इन जुलाई. ठीक है. या इन 5 years. इस तरीके से जब ईयर्स और मंथ के बारे में बात करते हैं तो हम इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट डेज, दैट वी वेंट टू सी द मूवी, वॉच द मूवी ऑन फ्राइडे और ऑन 6th, ऑन 7th. व्हेन वी टॉक अबाउट डेट्स एंड डेज, dates means like 6th, 7th of any month, or days mean Friday, or any other day, like we have seen in the previous sentence, I went to amusement park on Sunday. So the preposition we have used is on. On is used when we talk about dates and days. Now, when we talk about the time, जब हम किसी टाइम के बारे में बात करते हैं तब हम एट का यूज लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई स्लीप एट 9 o'clock. आई वोक अप एट 5 o'clock. आई विल गो फॉर स्टडीज, आई विल सिट फॉर स्टडीज एट 3 a.m. या 3 o'clock. तो वी आर टेलिंग द टाइम कि हम इस टाइम पे ये काम करने वाले हैं, इस टाइम पे हम ये काम करने वाले. हम ये काम कर रहे हैं 3 बजे, हम पढ़ाई करेंगे 4 बजे, हम सोएंगे 6 बजे, 6 o'clock पे. तो when we are talking about the time, when we are using the preposition at. Okay, now let's do this exercise. Now use in, on or at to fill the blanks. We go for a walk every evening - 5 o'clock. Now 5 o'clock is a time. What, which preposition we will be using here? In or at? Yes, we go for a walk every evening at 5 o'clock.
Got it? Next, Meena will leave for Delhi dash Tuesday. Meena is leaving for Delhi dash Tuesday. So Tuesday is a day. Days of the week. So which preposition will be used here? Here we will use on Tuesday. Got it? Now, it is always very cold dash December. Now, December is a month. This is a month. Now, month hai. So, month pe hum kaun sa preposition use karte hai? Which preposition do we use when we talk about month? We use preposition in. It is very cold in December. There are 31 days again in December. Dash my birthday, I will have a lot of fun. Now, here we are talking about some occasion, a special occasion. So, which preposition are we going to use? Yes, at. It is at my birthday, I will have a lot of fun. Now, next is I am busy doing homework dash the evening. It's in the evening. We are talking about what? We are talking about what we are talking about here. We are talking about time. We are going to have a class on geography. Next, I reach home at quarter past four. And here, you didn't realize that we are writing here wrong. आपको पता है आपने यहाँ पे क्या गड़बड़ करी है? आप जानते हो कि आपने क्या गड़बड़ करी है? पता है आपको? पता है आपने क्या गड़बड़ करी है? आपने यहाँ पे क्या लिखा है? At my birthday, but at my birthday तो होता ही नहीं है. मैम ने अगर at बोल दिया तो आपने भी at लिख लिया, right? I was seeing this that how much is your concentration? What we are doing wrong and what we are doing right? तो at नहीं आएगा. What will come? On my birthday, I will have a lot of fun. Okay? So here comes the end of the chapter. And the chapter is being completed here. And what you have to do, आपको क्या करना है घर पे? पूरा chapter एक बार read करना है. Whatever work will be assigned to you, you need to complete that work on time. और अब हम अपनी next class में मिलेंगे. So I'll see you in the next class with some more chapters, more story, and more, lots of fun. God bless you all and bye.